हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और वो है Asus का Zenfone Max Pro। फाइनली मैंने इसे परचेज कर लिया है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है Asus Zenfone Max Pro का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 4G वोल्टी, और ये फ़ोन ड्यूल 4G वोल्टी सिम सपोर्ट करता है, मतलब आप इसमें जियो के दो सिम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले इसके पीछे देख लेते हैं। इसके बॉक्स के पीछे कुछ दी गई हैं इसकी कुछ हाईलाइट्स। इसमें मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 3636 प्रोसेसर और 6 इंचेस का फुल व्यू डिस्प्ले, और ये 4GB और 64GB वाला वेरियंट है। तो बॉक्स को हम करते हैं ओपन। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है वी लव फोटो। देखते हैं हम इसमें क्या दिया गया है, शायद इसमें कवर हो सकता है। सबसे पहले यहां पे मिलती है एक सिम इजेक्टर टूल, इस पर एक छोटी सी स्माइली बनी हुई है, और साथ में है कुछ यूजर गाइड्स और वारंटी इंफॉर्मेशन फॉर्म, पर इसमें कवर नहीं है। मुझे लगा था इसमें कवर मिलेगा। तो ये है हमारा फोन, इसको हम बाद में देखते हैं। देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इसमें मिलता है एक चार्जर जो कि है 5V 2A, जो कि एक स्टैंडर्ड चार्जर है, और साथ में मिलती है माइक्रो USB केबल, और ये मिलता है एक मैक्स बॉक्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके हाथ हम कुछ बाद में करेंगे, हाथ को रखते हैं साइड पर। और बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो ये है हमारा फोन। डिजाइन काफी अच्छा है फोन का, और इसके जो पीछे है, पीछे आपको मिल जाता है बैक पे पूरा का मेटल, और जो ऊपर और नीचे है वहां पे आपको प्लास्टिक दिया गया है एंटीनास की वजह से। और पीछे आपको इसके साथ मिल जाता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और साथ में Asus की ब्रांडिंग, और एक लगा हुआ इसका स्टिकर। और पीछे आप उसको मिलता है 13+5 MP का ड्यूल कैमरा, साथ में LED फ्लैश, और जो उसका फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ आपको इस फोन में मिल जाता है एक माइक्रो USB पोर्ट, एक स्पीकर और 3.5 mm जैक। लेफ्ट साइड पे यहाँ दी गई है सिम इजेक्ट ट्रे, और राइट साइड पे मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ स्विच। ऊपर की तरफ दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन माइक। लुक काफी अच्छी है फोन की। तो हम फोन को करते हैं ऑन। और मैं इसे सेटअप करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो फोन को मैंने सेटअप कर लिया है, और ये है फोन की होम स्क्रीन। और सबसे अच्छी बात इस फोन में है कि इसमें दिया गया है स्टॉक एंड्रॉयड। मुझे खुद भी स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी पसंद है, और मुझे किसी की भी UI पसंद नहीं है, वन प्लस को छोड़कर। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें कौन सा वर्जन एंड्रॉयड का मिलता है। तो इसमें दिया गया है एंड्रॉयड 8.1.0, यानी कि एंड्रॉयड ओरियो, और जो इसमें सिक्योरिटी पैच दिया गया है वो है अप्रैल का। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 64GB में से 54GB स्पेस फ्री मिलती है।
एक और चीज ये है कि इसमें आपको फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की एप्स पहले से इंस्टॉल मिलती हैं, और आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक आपके पास ये फोन रहेगा, ये तीनों ऐप्स आपके साथ रहेंगी। और अब देखते हैं हम फोन का कैमरा। इस फोन में जो कैमरा ऐप दी गई है वो है स्नैपड्रैगन की। कैमरा अच्छा है इसका, काफी अच्छा है। और इसमें आपको गूगल की रिलेटेड सारी एप्स मिल जाती हैं, और इसमें कुछ जेस्टर्स दिए गए हैं असूस की तरफ से, जैसे कि आप इसमें डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, और ऑफ स्क्रीन पे डबल टैप करके स्क्रीन को वेकअप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया ऑफ और ये हो गया ऑन। जो इसका फिंगरप्रिंट है अभी भी काफी स्लो है। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आई थी तो सूस ने कहा था कि उन्होंने इसका फिंगरप्रिंट थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है, पर अभी भी थोड़ा सा इसका फिंगरप्रिंट इम्प्रूव करना बाकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस फोन में कौन सी चीजें अच्छी लगी हैं और कौन सी चीजें थोड़ी बुरी हैं इस फोन में। सबसे पहले जो उसका है, उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, और डिज़ाइन अच्छा है, और इसमें आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, जो कि सबसे अच्छी बात है इस फ़ोन की। और जो उसका फ़ोन का कैमरा है वो अच्छा है, पर जो रेडमी का नोट 5 प्रो है उससे थोड़ा कम है, तो उसको इम्प्रूवमेंट की थोड़ी ज़रूरत है कैमरे को। और जो उसमें एक और चीज़ है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे कि ये अभी अच्छा काम कर रहा है, पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इसको ज़रूरत है। और जो सबसे बुरी बात मुझे इस फ़ोन में लगी है वो है इसकी चार्जिंग। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसमें मिलती है आपको स्टैंडर्ड चार्जिंग, मतलब 500 mAh की बैटरी है और साथ में स्टैंडर्ड चार्जर। ये गलत बात है यार, फास्ट चार्जिंग फोन में होनी चाहिए थी, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्जर से अगर आप इस फोन को चार्ज करेंगे तो आपके 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे। तो ये थी ASUS ZenFone Max Pro की अनबॉक्सिंग और उसका एक फर्स्ट लुक। आप मुझे बताइए कि आपको इस फोन में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, और आप ZenFone Max Pro और Redmi Note 5 Pro में से कौन सा फोन परचेज करने वाले हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।